हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी आई क्यू अभिषेक। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आई क्यू अभिषेक में। और आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको बताएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो टाटा स्टील जेईटी में प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हुए हैं उन्हीं को हम लेके आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है जो टाटा स्टील के पेपर में आते हैं। और बाकी मैं इससे पहले भी कुछ इंग्लिश की वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके तुरंत उस वीडियो को देखिए। और ऑडियो इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग और बाकी जो 20-30% का वेटेज लेने वाली वीडियो है वो सारी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखी टाटा स्टील की, तुरंत जाके प्ले लिस्ट में टाटा लिस्ट की इसमें वीडियो देखें। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मर्डर ऑफ वन चिल्ड्रन, यानी अपने ही बच्चे का को मारने को क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, अपने ही बच्चे को मारने को कहते हैं फिलिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है फिलिसाइड। और अभी ये वर्ड जो आ रहे हैं जैसे एपिटोट, जेनोसाइड और रेजिसाइड, ये भी आपको अभी पता चलेंगे। मैं सब बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन है चारों आपके लिए स्विच कर दूंगा और ये तो गलत है कि आपको स्विच कर दूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो केवल ऑप्शन बता रहा है। ऐसा नहीं, हर एक वर्ड का आपको पता लगे, ताकि अगर इसमें 10 भी क्वेश्चन है तो आपको 40 का फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए मर्डर ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है, फिलिसाइड। अब देखिए मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी अपने ही भाई को मारना, तो अपने ही भाई को मारने को कहते हैं फैट्रीसाइड। तो यहाँ पर ये वर्ड याद रखिए फैट्रीसाइड। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है फैट्रीसाइड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मर्डर ऑफ रेस, तो एक वर्ड आया था पीछे आपने देखा होगा कि आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको कि मर्डर, ये जो जीनोसाइड वर्ड आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब तीसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं मर्डर ऑफ रेस का मतलब होता है जीनोसाइड, मतलब जीनोसाइड। और सुसाइड तो आपको पता ही होगा, रेजिसाइड अभी आएगा कि तो आप लोग देख देंगे, आपको समझ में आने लगेंगे सारे वर्ड। और फिर आपको एक इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं। देखिए मर्डर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो मैन और वुमेन को मारना कहलाता है होमोसाइड। ठीक है, होमोसाइड, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिए। जीनोसाइड आपको बता दिया, रेस को मारना, सुसाइड मतलब खुद को मारना। मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी ही माँ को मारना कहलाता है मैट्रीसाइड। ठीक है, अपनी ही मदर को मारना कहलाता है मैट्रीसाइड, मैरीसाइड, सॉरी मैट्रीसाइड नहीं, मैरीसाइड। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही वाइफ को मारना कहलाता है युक्सो रिसाइडेड, युक्सो रिसाइड। यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही मदर को मारना कहलाता है सोरो, वो अपनी ही बहन को मारना कहलाता है सोरोसाइड, था सोरोसाइड। ठीक है, यहाँ पे सोरोसाइड जो जाएगा। मदर ऑफ किंग एंड क्यून, तो इसको कहलाते हैं रेजिसाइड। तो यहाँ पे देख ली वर्ड रेजिसाइड। नंबर मदर ऑफ आंसर, अपने आप को ही मानना कहलाता है सोसाइड। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको टोटल 10 कवर कर दिए, अब आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ ताकि इसे आप कभी भूले ना। ठीक है, तो आपको ट्रिक में स्टार्टिंग से ले चलता हूँ। देखिए इस वर्ड को आप कैसे याद रखेंगे, मदर्स ऑफ वंस चिल्ड्रन, मतलब अपने ही चिल्ड्रन का मर्डर कर देना। तो यहाँ पे एक वर्ड देख सकते हैं आप, देखिए फिलिसाइड। फिलिसाइड वर्ड में आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि ये बाकी जो वर्ड है जैसे रेजिसाइड, रेजी मतलब जैसे किंग का रीजन, रीजन मतलब होता है जैसे इसका राज्य है, तो रेजिसाइड जब भी आएगा तो यहाँ पे कुछ बड़े से रिलेटेड होगा। जैसे एक वर्ड देखिए मर्डर ऑफ किंग, रेजिसाइड एक था, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए किंग और क्यून का अगर मर्डर होता है उसे कहते हैं रेजी, क्योंकि इनका रीजन होता है बहुत बड़े होते हैं। इसी तरीके वाइफ का जो मर्डर होता है उसे कहते हैं यूरोक्सोसाइड, यूरोक्सोसाइड। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब है तो इसे आप देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे कैसे सीखेंगे वाइफ का है और यार ये, तो देखिए आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं जो यू फॉर वाइफ जो होती है वो अल्टीमेट होती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, जो वाइफ होती है वो अल्टीमेट होती है। ठीक है, सभी को जानते हैं वाइफ जो होती है अल्टीमेट होती है, उसके पास बहुत सारी थिंग्स होती हैं, तो इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मदर का, तो मदर का मैरी साइड। ठीक है, देखिए मदर जो होती है मदर की फादर से क्या होती है मैरी, मैरी मतलब मैरिज होती है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं मैरी साइड। ठीक है, इसी तरीके से आपको और बता देता हूँ, जैसे भाई या सिस्टर है तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही दिख जाएगा आपको कि सिस्टर और एस और सोसाइड। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सोसाइड, तो आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड से जो कि टाटा स्टील में पीछे रिपीट हुए हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको ये बताने की। और देखिए मर्डर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो मैन एंड वुमेन का कैसे याद रखेंगे, देखिए मैन और वुमेन रहते कहाँ पे हैं, मैन एंड वुमेन रहते होम मतलब घर में, तो इसलिए होमोसाइड। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको लगभग 30 के आसपास जो है ये वर्ड जो कराने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए हो तो अच्छी बात है, और ये पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे टाटा स्टील से रिलेटेड वीडियो जो है डाली जा रही है उनसे भी, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके साथ इसी तरीके की मैं बढ़िया बढ़िया आपके इस चैनल पे जो है वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप लोग को इससे बहुत फ़ायदा उठा सकें टाटा स्टील में, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ चीज़ों को समझाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।